हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड एंड आर फाइन। माई सेल्फ लोहित जिंदल। सो गाइज, आज के सेशन के साथ मैं क्या लेके आया हूँ, आपको टाइटल से थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा। सो गाइज, मैं आपको आज कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें मैथ्स का यूज तो मैं बताऊंगा ही कैसे होता है, राइट? द मैथ्स दैट यू नो ऑलरेडी, है ना? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होता है थोड़ा बहुत, बट उसका एक्चुअल लाइफ में यूजेज कैसे है और उसके थोड़ी सी आगे बढ़ के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका कैसे एप्लीकेशन होगा, विच आर नॉट सो डिफिकल्ट एक्चुअली। ठीक है, तो आज का सेशन आई थिंक विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज एंड विल एक्चुअली हैव रियल लाइफ एप्लीकेशंस। एक्चुअली ये काफ़ी चीज़ें तो एडल्ट्स भी नहीं सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, मनी मैटर्स के लिए। मेनी पीपल, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली, इतना हमारे स्कूल्स में कभी पढ़ाया नहीं जाता है ना मनी के बारे में। सो हाउ डू यू नो आफ्टर ग्रोइंग अप कि हाँ, मनी रिलेटेड डिसीजंस कैसे लेने हैं, वो जबकि सबको लेने पड़ते हैं, राइट? सो आई विल बी टीचिंग यू सम टर्म्स एंड उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इतने इजीली समझ पाओगे, आपको पता लगेगा आगे चल के कि कैसे मनी के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने हैं। रादर इस सेशन के बाद मुझे लगता है आप अपने पेरेंट्स को भी गाइड कर सकते हो थोड़ा बहुत, समवेयर समटाइम्स मे बी, ठीक है, बट विद प्रॉपर कैलकुलेशंस अगर आप कर पाओगे तो। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स ओलंपियाड, राइट? लॉन्च होगा 4 अप्रैल से। सो मैथ्स ओलंपियाड के प्री आरएमओ प्राइम बैच को हम लॉन्च कर रहे हैं, राइट? विच हैज बीन डिजाइंड एंड लाइक पूरा प्लान मैंने बनाया था। सो अभय सर एंड चेतन सर विल बी टेकिंग दोज क्लासेस, राइट? बिकॉज ऑफ अदर बैचेस, और भी बैचेस होंगे तो मैं इस बैच में क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, बट अभय सर एंड चेतन सर विल बी टेकिंग द क्लासेस। चेतन सर विल बी टेकिंग अबाउट 23 to 25 सेशंस इन दैट कोर्स एंड बाकी की रेस्ट ऑफ द सेशंस विल बी टेकन बाय अभय महाजन सर। दैट इज अराउंड अबाउट आई थिंक 50 सेशंस। ठीक है, सो इसकी डिटेल्स मैं सेशन के एंड पे आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए हम पढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं वो। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, पैसा सबको अच्छा लगता है, ठीक है? सो देखो, पूरी दुनिया पैसे के लिए तो काम कर रही है, राइट? पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, बट आपको थोड़ा फाइनेंशियली स्मार्ट होने का कैसे पता लगेगा, राइट? हाउ कैन यू बिकम अ बिट फाइनेंशियली स्मार्ट? आप अच्छे डिसीजंस कैसे ले सकते हो रिगार्डिंग मनी, राइट? जस्ट दैट, आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होता है धीरे धीरे, बड़े हो जाते हो, ठीक है, छोटी मोटी चीजों में। ठीक है, आप कार खरीदने जाते हो, आप घर खरीदते हो, लोन लेते हो, कैसे लेना है, क्यों लेना है, कितने का लेना है लोन, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, राइट? सो ऑल दीज डिसीजन मेकिंग यू कैन इम्प्रूव बाई अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। तो रियल लाइफ का एप्लीकेशन होगा, ठीक है, इसके अंदर मैथ्स का यूज होगा, तो ऑब्वियसली मैथ्स होगा तभी तो आप उसको बेटर कर पाओगे, डिसीजंस कैलकुलेशंस कर पाओगे उसके बारे में, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट बताओगे तो। सो इट्स अ ये वाला सेशन ना थोड़ा सा मिक्स ऑफ फाइनेंस एंड मैथ्स है, ठीक है? सो बट आई डू होप आप इससे कुछ नया सीखोगे, राइट? आई रियली होप एंड आई रियली थिंक कि आप एक्चुअली सीखोगे, क्योंकि आई नो दैट दीज कॉन्सेप्ट तो ये तो बड़े लोगों को नहीं पता होती हैं, ठीक है, एडल्ट्स को भी नहीं पता होते हैं कॉन्सेप्ट्स तो आपको अगर पता होगा यू विल एक्चुअली बी स्मार्ट अबाउट मनी फर्दर, राइट? चलो, सो गाइज, देयर आर टू टर्म्स, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, ऑफ मनी, राइट? क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल सा मतलब है, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, ठीक है? इसके लिए आपको एक और टर्म बतानी चाहिए, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। सो दैट इज इंटरेस्ट रेट, राइट? इंटरेस्ट रेट आई गेस सबको पता होता है। लेट से आपने बैंक के अंदर कुछ रुपए रखे हुए हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट जनरेट होता है, राइट? आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे जब भी हम बच्चों बात कर रहे होंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। रियल लाइफ में कंपाउंडिंग होती है हर जगह, ठीक है? हम जब भी बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। तो रियल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है, आप बैंक में पैसे रखते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट होता है उसके ऊपर, नॉट द सिंपल इंटरेस्ट रेट, ओके? सो गाइज, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की डेट में जो पैसा है आपका, उसकी क्या वैल्यू है, राइट? लेट से आपके पास आज की डेट में हाथ में 100 रुपए हैं, तो उसके प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 100 रुपए है, राइट? आज की डेट में किसी किस पैसे की क्या वैल्यू है, राइट? ओके, एग्जांपल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, दोनों टर्म्स को डिफाइन कर दूं मैं, राइट? प्रेजेंट वैल्यू इज द करेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी और स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज गिवन इन अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। एग्जाम्पल देता हूँ, लेट से आपके पास एक साल के बाद आपके पास 110 रुपए हैं, राइट? लेट से आफ्टर 1 ईयर यू आर हैविंग 110 रुपीज, ठीक है? एग्जाम्पल बताता हूँ, आफ्टर 1 ईयर यू हैव ₹110, ठीक है? एंड जो इंटरेस्ट रेट है, मैं डिफाइन कर देता हूँ एग्जाम्पल्स के तौर पे, है ना? जो इंटरेस्ट रेट है ना बैंक में, वो 10% है,
ऑल्दो इतना है नहीं अभी, बहुत कम हो गया है, तो इंटरेस्ट रेट लेट से 10% है, कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए। एक साल के बाद आपके पास 110 रुपये हैं, है ना, यू आर होल्डिंग 110 रुपीज आफ्टर एन ईयर, और एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट कितना है बैंक में, 10% होता है। सो व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू उस 110 रुपए की, आज की डेट में क्या वैल्यू है, व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली, मतलब वो 110 रुपए आप कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए आपके पास आज की डेट में कितने पैसे होने चाहिए, राइट, स्मॉल केस, ठीक है। एक साल के अंदर आपके पास लेट से एक्स अमाउंट था, यू हैड एक्स अमाउंट ऑफ मनी टूडे, प्रेजेंट वैल्यू है ना मनी की, सो लेट से यू हैव एक्स रुप हैड एक्स यू आर हैविंग एक्स रुपीज टूडे, ठीक है, रुपीज एक्स, ये आज की बात में, ठीक है। अब आपने उसको बैंक में रख दिया, राइट, यू केप्ट इट इन अ बैंक, उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट होगा, राइट, 10% इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर, सो 0.1x बन गया, है ना, 0.1x इज द इंटरेस्ट ऑन इट, है ना। सो टोटल एक साल के बाद आपके पास कितना हो गया, आफ्टर वन ईयर वो कितना बन गया, x प्लस 0.1x, राइट, दैट इज 1.1x, यही आप पढ़ते हो ना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो सिंपल ही लगेगा क्योंकि एक ही साल है, तो आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिला, तो आपके पास अगर x रुपीज थे, दैट x रुपीज बिकम 1.1x आफ्टर एन ईयर, और वो हम बोल रहे हैं 110 रुपए, दैट गिव्स यू x एज 100, राइट, x इज रुपीज 100, इसका बात का मतलब क्या हुआ, सो व्हाट डज दिस एग्जांपल मीन, है ना, कि दैट मींस इफ यू हैव 100 रुपीज टुडे, इट इज इक्वल इन टू 110 रुपीज आफ्टर एन ईयर, क्योंकि अगर आपके पास आज के डेट में 100 रुपए हैं, आप उसको बैंक में डाल देते हो, इट विल गार्नर इंटरेस्ट ऑन इट, एंड एक साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 110 रुपए, है ना, तो आज के 100 रुपए इज इक्वल इन टू एक साल के बाद के 110 रुपए, राइट, सो दैट इज वॉट इज एन एसेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समझ रहे हो, तो आज का 100 रुपए, आज का रुपीज 100 इज इक्वल टू एक साल के बाद का 110 रुपीज, ठीक है, गिवन इंटरेस्ट रेट इज 10%, ठीक है। सो अब आपके पास क्या था, दैट इज दिस 100 रुपीज इज द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, सो आज के डेट में आपके पास उस किसी भी अमाउंट की, फ्यूचर अमाउंट की क्या वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू, कि उसकी बजाय अगर आपके पास आज 100 रुपीज हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 110 होने वाली है एक साल के बाद, ठीक है, सो इट इज द सेम थिंग, हैविंग 110 रुपीज आफ्टर एन ईयर और हैविंग 100 रुपीज टूडे इज द सेम थिंग, राइट, दैट इज वॉट इट मीन्स। नाउ सेकेंड थिंग इज फ्यूचर वैल्यू, एक्चुअली दोनों चीजें इंटरलेटेड ही हैं, फ्यूचर वैल्यू सिमिलरली द वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है, और अ फ्यूचर एट अ फ्यूचर डेट, ठीक है, आज अगर आपके पास कुछ है तो उसकी फ्यूचर डेट में क्या वैल्यू होगी उस दिन, ठीक है, लेट्स पिक अप द सेम एग्जांपल ओनली जो पिछले क्वेश्चन में था, अगर आपके पास आज 100 रुपीज हैं, आप उसको बैंक में रख दोगे, 10% इंटरेस्ट आएगा उस पे, एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 110 रुपए, सो the future value of this 100 rupees after a year is 110 rupees. So that is how these are interlinked. ठीक है, present value और future value are interlinked like this. ठीक है, अगर आपको future value पता है, interest rate lecture से पता है आपको, तो future value से आप present value find कर सकते हो, and present value से future value किसी चीज़ का find कर सकते हो, किसी भी amount का. I hope this is getting a bit clear, right? तो छोटा सा example चलो एक और लेते हैं, ठीक है? So अगर मैं आपसे simple सा concept पूछता हूँ, लेट से यू हैव 100 रुपीज टूडे, रुपीज 100 टूडे, राइट, इंटरेस्ट रेट सेम रखते हैं, इंटरेस्ट रेट इज लेट से 10%, ठीक है, सो वॉट विल बी इट्स फ्यूचर वैल्यू आफ्टर टू ईयर्स के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, दैट यू हैव डन बाई यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, मैंने जैसे बताया आपको, अब जब जगह हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, विल बी वेरी सिंपल कैलकुलेटिंग, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, वॉट इज द अमाउंट आफ्टर टू ईयर्स, प्रिंसिपल अमाउंट 100 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, हम डेसिमल में ही लिख लेते हैं सीधा, 10% इज इक्वल इन टू 0.1, राइट, 10% इज इक्वल इन टू 0.1, सो 1 प्लस 0.1 रेज टू पार 2 बिकॉज इट इज 2 ईयर्स, राइट, ये आपको सबको पता है, 100 इंटू 1.1 स्क्वायर, दैट इज 121 रुपीज, राइट, मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास आज की डेट में आपके पास 100 रुपीज है, आफ्टर टू ईयर्स इट्स वैल्यू
यू कैन गेज इट्स वैल्यू टू बी 121 रुपीज एट 10% इंटरेस्ट रेट, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% है, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आज की डेट में अगर आपके पास 100 रुपए आप उसको बैंक में रख दोगे, पहले साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो 110 रुपए हो गए, उसके बाद फिर से 10% इंटरेस्ट लगा मिला 110 के ऊपर 10% 11 रुपीज हो गए, तो 11 रुपीज एड होके 121 हो गया आपका अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा हुआ है ना, ये तो स्कूल में ही पढ़ा देते हैं सिंपल इतना सा, बट दिस इज वॉट द टर्म्स मीन, ये आपको समझना है। प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द मनी ऑफ सम फ्यूचर वैल्यू ऑफ सम मनी, अगर आपको पता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में कितनी वैल्यू है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, है ना। फ्यूचर वैल्यू क्या है, आज अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी एट सम पर्टिकुलर टाइम, ये वो कॉन्सेप्ट है, दैट इज फ्यूचर वैल्यू, राइट। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो दैट इज वॉट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम के साथ में मनी की वैल्यू बदल जाती है। मतलब वेरी सिंपली, अगर आपके पास आज की डेट में 100 रुपए का नोट है, आपने उसको बैंक में जमा नहीं किया, गद्दे के नीचे रख दिया, और एक साल के बाद आपके पास वही एक नोट है, तो आपके पता है उस 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई है। कैसे, हाउ, क्योंकि अगर वो 100 रुपए आप बैंक में डालते, इट वुड हैव गार्नर्ड इंटरेस्ट 10% का, तो अगले साल तक उस एक साल के बाद उसकी वैल्यू होनी थी 110 रुपए, लेकिन आपके आपने तो नोट को कहीं रखा ही नहीं, बैंक बेड के नीचे डाल दिया गद्दे के नीचे, और अब निकाला तो भी 100 रुपए ही है उसकी वैल्यू, तो सो एक्चुअली यू लॉस 10 रुपीज ऑन दैट, ठीक है ना। फ्यूचर वैल्यू उसकी 100 रुपए थोड़ी ना बोलोगे, वो तो आपने बैंक में रखा ही नहीं है, सो एक्चुअली यू लॉस 10 रुपीज ऑन दैट, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कम हो गई, उस एक नोट की वैल्यू टाइम के साथ कम होती जा रही है ना। आप सिंपली ये भी सोच सकते हो, आपके पेरेंट्स से आप पूछोगे ना 30 ईयर्स अगो वॉट वॉज द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, और आज क्या ही सोचते हो, है ना। That is the thing actually. So the value of the money, right? Note का denomination जो है, currency का जो value है, it depreciates, कम होता जाता है time के साथ साथ, है ना। So सोचना है इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, it's a very interesting thing, ठीक है। So let's continue, है ना। अब इसके ऊपर कुछ example समझते हैं, ठीक है। Future value को एक और example लेते हैं, I think ये तो अब आप कर रहे थे, 1000 रुपये आपने बैंक में डाले 10% interest rate पे, what will be its value एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, है ना। सबसे पहली बात आपको पता है, कंपाउंडिंग इज सेट टू बी द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे बोलते हैं लोग, क्यों, अवर माइंड थिंक्स इन द लीनियर फॉर्म, बट कंपाउंडिंग होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सो इट चेंजेस द वैल्यूज वेरी ड्रास्टिकली, ठीक है। अब जब सोचो, काफी लोग तो पता है क्या सोचेंगे, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 1000 रुपए हैं, 10 साल रखा तो 10-10% मिलता गया, 100-100 रुपए हो गया 10 साल के लिए, तो पैसा डबल हो गया 10 साल में, 2000 रुपए बन गए, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ, ये तो कंपाउंडिंग हो रही है ना। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, लेट्स कैलकुलेट, सिंपल सा, 1000 रुपीज प्रिंसिपल, 1 + 10% का मतलब 0.1, एंड इट इज हैपनिंग फॉर 10 ईयर्स, सो इट इज 1000, आप देखना मैग्नीट्यूड कितना चेंज होगा, 1.1 raised to power 10, ठीक है। सो फॉर दिस आई विल यूज दिस कैलकुलेटर, ठीक है, 1.1 raised to power 10 नहीं कर सकता हूं मैं सीधा, बट 1.1 raised to power 10 into 1000, that becomes 2593, ठीक है। कहां पे आप ये सोच रहे थे कि डबल होगा सिर्फ, बट एक्चुअली 593 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। सो यू आर एक्चुअली मेकिंग, इन द केस ऑफ कंपाउंडिंग, वो पैसा बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, 593 से आपका एस्टिमेट 593 के मैग्नीट्यूड से चेंज हो रहा है, बिकॉज आपने सिर्फ 1000 रुपए लिखे थे ना। अब सोचो यही चीज अगर आपने लाख में लिखी होती, है ना, 1000 की जगह 1 लाख होता, सो इट विल बिकम 2.5 lakhs एंड डिफरेंस ऑफ 2 lakhs, 50,000 का गैप बन जाता है भाई। सो इफ यू मेक दिस नंबर्स बिगर, वो इसी तरह से फिर गैप बड़ा दिखने लग जाता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस, है ना, सिंपल सा केस है। सो नाउ लेट्स पिक अप एन एग्जांपल, हाउ टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन यूजिंग मैथ्स, है ना। देखो ऐसी एग्जांपल मिल सकता है लेकिन आपको, है ना, रियल लाइफ में, लेट्स से कोई आपको 2 choices देता है, ठीक है। लेट्स आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपके नाम पे FD कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट लगा देते हैं बैंक के अंदर, ठीक है, आपको मिल जाएंगे पैसे वो, ठीक है, 10 साल 20 साल के बाद वो पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। सो आप कौन सी चॉइस चूज करना चाहोगे, बैंक आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, बैंक कहता है या तो आप 1000000 रुपये डाल दो, फर्स्ट केस देखते हैं, बैंक कहता है या तो आप 1000000 रुपये डाल दो 20 साल के लिए एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, अगर आप 1000000 दोगे तो 10% पे दे देंगे हम तो इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट आपको देंगे। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए डालते हो, इफ यू आर पुटिंग इन 20 लैक्स
फॉर 20 ईयर्स विल गिव यू 5% इंटरेस्ट, तो ज्यादा नहीं देंगे, 5% देंगे, ठीक है। सो अब आप कंफ्यूज हो कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, ऐसे तो कैसे करें इनको कंपेयर, है ना। सी हम कैसे कंपेयर करेंगे, आपको दो ऑप्शन दे रहा है ना बैंक, मतलब आपको कोई दे रहा है ऐसे 10 लाख रुपए, ऐसे सोच लो, विच ऑप्शन शुड यू चूज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, केस वन के अंदर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि इस 10 लाख की 20 साल के बाद क्या वैल्यू बन जाएगी, है ना। जब आप कंपेरिजन करोगे, आप एट द सेम टाइम फ्रेम सोचोगे, रेफरेंस पॉइंट सेम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अब दोनों में 20 साल सेम थे, 20 साल बाद की वैल्यू ढूंढेंगे दोनों केस में कितनी बनती है, देन वी विल बी एबल टू कंपेयर, है ना। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। सो अब कंपेयर करते हैं, देखो इन द फर्स्ट केस A1 लिखता हूँ, उसको 10 लैक्स है, उसको एक बार 10 लिख लेता हूँ ना, लैक्स लिख देंगे यूनिट्स। सो 20 ईयर्स के लिए 1.1 10% रिटर्न, सो 1 + 0.1 raised to power 10, सॉरी 20, राइट, ये हो रहा है। सो हाउ मच विल इट बी, 10 × 1.1 raised to power 20, अगेन आई हैव टू यूज अ कैलकुलेटर एटलीस्ट, सो 1.1 raised to power 20 × 10, सो दिस बिकम 67 लैक्स, देखो 67.27 लैक्स, सो दिस 10 लैक्स, ये वाला अमाउंट क्या बन जाएगा, 67.27 लैक्स बन जाएगा, ठीक है, 20 साल के बाद। नाउ लेट्स कैलकुलेट A2, ठीक है, सेकेंड केस में देखते हैं। इस केस में आपके नाम पे 20 लाख रुपए डाले जा रहे हैं, बट 5% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सो 20 × 1 + 0.05, 5% मीन्स 0.05 raised to power 20, सो 20 × 1.05 raised to power 20, ठीक है, ये बन गया। नाउ व्हाट, 1.05 raised to power 20 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इंटू 20, सो दिस बिकम्स एक्चुअली 53 लैक्स, 53.06 लैक्स, ठीक है। बिकॉज देखो, काफी लोग इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि 20 लैक्स डाल रहे हैं भाई यहाँ पे, तो है ना, चॉइस टू में 20 लैक्स डाल रहे हैं, सो इट मस्ट बी अ बेटर चॉइस, ज्यादा पैसे डाल रहे हैं तो 20 साल के बाद ज्यादा बन जाएंगे, यहाँ पे तो 10 लाख ही डाल रहे हैं। बट एज यू कैन सी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट डबल था, ठीक है, तो उसके कारण वो 10 लाख 67 लाख बन गया, लेकिन इधर 20 लाख बना 53 लाख ओनली। सो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज बेटर, यू विल चूज चॉइस वन, क्योंकि आपको 20 साल के बाद उसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उस टाइम पे, उसमें 53 लाख है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 लाख, इवन दो उसमें डबल पैसा डाल रहे थे आप, इंटरेस्ट रेट हाफ था, डबल पैसा डाल रहे थे, लेकिन कम बना, ठीक है। सो सी गेम कैसे पलट जाता है, पता ही नहीं लगता ना, मतलब अगर आप ये सब कैलकुलेशन नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा चॉइस बेटर है आपके लिए, हुआ ना। सो देयर इज अ रियल यूज ऑफ दिस फिजिकल प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ मैथ्स इन दिस, फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा ही है, राइट, ठीक है। तो चलो, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जाम्पल ऐसा मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ टाइप का प्रॉब्लम बना के, ठीक है। अब सिंपल सा है, सीखते हैं कैसे करेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू सोचेंगे कैसे निकालते हैं। देखो, सपोज यू हैव टू चॉइसेस, या तो आपको 10 लाख रुपए आज मिल जाए, दैट इज द वन केस। चॉइस टू आपको देते हैं आपके पेरेंट्स लेट्स से कि यू गेट 20 लैक्स बट आफ्टर 10 ईयर्स, आपको डबल पैसा देंगे लेकिन 10 साल के बाद देंगे, ठीक है। अब इसको कैसे कंपेयर करें, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट द वैल्यूज इन प्रेजेंट वैल्यू, राइट, प्रेजेंट वैल्यू में निकाल लेते हैं। तो चॉइस वन तो पहले से ही पता है आपको, आज की डेट में तो 10 लाख मिल ही रहे हैं। क्या मैं इस 20 लाख की वैल्यू, जो 10 लाख 10 साल के बाद 20 लाख मिलेंगे मुझे, उसकी आज कितनी वैल्यू है वो निकाल सकता हूँ, ऐसी कंपेयर करेंगे ना। वरना तो बंदा कोई सोच सकता है यार आज तो 10 लाख मिल रहे हैं, 10 साल के बाद 20 लाख मिल रहे हैं, डबल मिल रहा है, तो वही लेते हैं 20 लाख, ठीक है। इतना सिंपल तो नहीं रख सकते ना, लेकिन ठीक है ना, कि 10 साल बाद डबल मिल रहा है तो बस वही चूज कर लो सीधा सीधा। लेट्स ट्राई टू मेक अ फाइनेंशियल सेंस आउट ऑफ दिस, है ना, मैथ्स कैसे यूज करेंगे। देखो, 10 साल के बाद आपको 20 लाख मिल रहे हैं, राइट, उसकी आज की डेट में कितनी वैल्यू होगी। लेट से आपके ने आज की डेट में एक्स अमाउंट रखा बैंक में, मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ, बहुत सिंपल है। 10 साल के बाद है ना वो वैल्यू 20 लाख, सो आपने अमाउंट का फॉर्मूला क्या लिखते हो, इनिशियल वैल्यू, उसको आप प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं ना, जो प्रिंसिपल होता है, इंटू 1 + r raised to power n, n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, r आपका रेट। तो एक्चुअली ये a क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू होती है ना, उसको मैं FV लिख देता हूँ, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, राइट। सो वहीं से आ रहा है आपके फॉर्मूला से, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू PV,
पीवी इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, है ना। मतलब अगर 20 10 साल के बाद 20 लाख वैल्यू है, उसकी आज कितनी वैल्यू है वो आपको यहां से मिल जाएगी, क्योंकि 20 लाख एक्स लिख सकते थे ना आप वैल्यू को, नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू को, वो तो एक ही बात है। तो अब आपको इनिशियल वैल्यू ढूंढनी थी, एक तरह से आपको प्रिंसिपल ढूंढना था ना कि कितना होगा जिसके पे आपको 20 लाख बन जाए 10 साल के बाद। वेयर द इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक इज गिविंग इज 5%। तो कैलकुलेट करते हैं देखो पीवी ऑफ द सेकंड केस, राइट। फर्स्ट केस में तो 10 लाख दिया ही हुआ है, फिक्स है। सो पीवी इज 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 20, सॉरी 10 इयर्स, राइट। 10 इयर्स दिया हुआ है तो 10 आ जाएगा। सो लेट्स यूज अ कैलकुलेटर। सो करना पड़ता है थोड़ा सा, 20 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू पावर 10, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 20 लाख, सो लेट मी कैलकुलेट। 1.05 रेज टू पावर 10, राइट। सो 20 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू दैट इज 12.27 और 28, ओके। मैं थोड़ा क्लियर कर राउंड ऑफ कर रहा हूं, सो 12.28 लाख। सो देख रहे हो, ऑल दो 20 लाख आपको 10 साल बाद मिल रहे हैं, उसकी आज कितनी वैल्यू है, 12 लाख है, 12.28 लाख है, नियर अबाउट 12 लाख, राइट। और एक फर्स्ट चॉइस है कि आपको 10 लाख ही मिलेंगे। सो एक्चुअली इन दिस केस चॉइस टू इज बेटर ओनली। आप यही कहोगे कि हाँ 20 लाख ही दे देना 10 साल बाद, उसकी आज की डेट में वैल्यू 12 लाख है, पहले दूसरे वाले के तो 10 ही लाख है ना। सो दिस इज बाय कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू। एक्चुअली इसी बात को आप फ्यूचर वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते थे, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते थे। कैसे? व्हाट इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस 10 लाख आफ्टर 10 इयर्स, तो फिर आप उस 20 लाख से कंपेयर कर सकते थे, राइट। लेट मी शो यू क्विकली व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट 10 लाख। 10 लाख इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 10, राइट। लेट्स सी, देखना वो 20 से कम आएगी वैल्यू, अगर लॉजिकली सही है हमारा तो उसकी वैल्यू 20 लाख से कम आनी चाहिए। So 1.05 raised to power 10 into 10. So guys, that is coming out to be 16.29 lakhs. So देख रहे हो, वो 10 लाख को अगर आप फ्यूचर वैल्यू में लेके जाते हो, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू है उसी के साथ में, जिस जहां पे आपको 20 लाख मिल रहे हैं, उस 10 लाख की वैल्यू 16 लाख है, 16.25 लाख है, तो वो तो कम है, तो भी आप चॉइस टू चूज करोगे। अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली उस 20 लाख की, आज की डेट में ला जाके चेक किया, तब भी तो वो 12 लाख था, 12.25 लाख है, तब भी वो ज्यादा है। सो इन बोथ एस्पेक्ट्स चॉइस टू ही आएगा, ऑब्वियसली आना ही चाहिए था, सो दैट इज विल बी द बेटर चॉइस, ठीक है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आपको फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का कुछ कुछ समझ में आया, और कैसे दो चीजों को कंपेयर कर सकते हो, हाउ टू कंपेयर टू एस्पेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो वन मोर एग्जाम्पल, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, लेट से आप कार लेने जाते हो तो क्या होगा, राइट। लेट सी, सो आई मेड दिस एग्जाम्पल। सपोज आप कार लेने जाते हो बाहर, है ना, यू आर गोइंग टू अ डीलरशिप टू बाय अ कार, आपके पास पैसे हैं 10 लाख रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। सो द कार कॉस्ट 10 लाख। अब डीलर ने आपको क्या किया ना, वहां पे देते हैं ना डिफरेंट ऑप्शन, सर फाइनेंस करा देंगे आपको, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आपको सिंपल दो चॉइसेस देता है कि आप कैसे पे कर सकते हो। ही सेज कार की 10 लाख कीमत है आज की डेट में, तो आज 10 लाख रुपए दे दो आप उसको, सिंपल कि 10 लाख दो और कार ले जाओ। या फिर आप क्या कर सकते हो, वो कहता कि आप 2 लाख तो अभी दे दो, ठीक है, 2 लाख तो अभी दे दो, बाकी के जो 2 लाख हैं हर साल देते रहो आप, ठीक है, बाकी के जो ये 2 लाख रुपए हैं वो 5 साल में देते रहो, 1 साल बाद 5 लाख, 2 लाख, फिर 5 साल 5 बार आपको 2-2 लाख देने। तो अब आप तो सोचोगे उसमें तो 10 लाख रुपए लग रहे हैं, इसमें तो 12 लाख लग गए, 2 लाख आज देने और 5 बार 2-2 लाख और देने हैं 6 साल 5 साल के लिए, तो इसमें टोटल कॉस्ट 12 लाख हो गई, उसमें 10 लाख है, तो चॉइस वन चूज करते हैं। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। अब सिंपली वो जो 2-2 लाख दे रहे हो उसकी वैल्यू आज के डेट में 2 लाख नहीं है ना, यही तो हमें सोचना था, ये तो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सोचना था हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का। सो हाउ विल वी कंपेयर दीज टू थिंग्स, व्हाट विल डू इज विल फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सेकेंड चॉइस। फर्स्ट चॉइस तो सिंपल ही है ना, 10 लाख आज की वैल्यू ही है, सो इट्स बेटर टू कन्वर्ट ऑल दीज वैल्यूज टू अ प्रेजेंट वैल्यू। सो कैसे करेंगे, लेट सी द कॉन्सेप्ट। देखो, सो आई विल फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द थिंग्स, कैसे, देखो आज की डेट में 2 लाख तो दे ही रहा हूं, 2 लाख तो ये हो ही गया, प्लस जो एक बात सोचो, जो 1 साल बाद में 2 लाख दे रहा हूं उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी, 1 साल लगा ना, सो 2 डिवाइडेड बाय 10% रेट है तो 1 प्लस 0.1 हो गया,
तो एक ही साल है तो पावर वन हो गई है ना, ठीक है। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन गया था अपने आप ही, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r^n। तो बच्चे जो 2 लाख हम एक साल के बाद पे कर रहे हैं उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या होगी, 2 / 1.1 / 1 है ना। फिर 2 साल बाद जो पे कर रहे हैं एक्चुअली 1-2 लाख, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी वो भी लिखते हैं। सो 2 / 1 + 0.1 / 2। अब ऐसे करके कितनी पेमेंट्स कर रहा हूँ मैं, 5 कर रहा हूँ। मैं अब थोड़ा छोटा लिखता हूँ, 1.1 हो गया ना वो वैल्यू, 3 हो गया। 3 साल बाद जो किया उसकी आज की वैल्यू 2 / 1.1 / 3 प्लस 2 / 1.1 / 4 प्लस 2 / 1.1 / 5। ये सारी पेमेंट्स हो गई है ना। सो सारे अमाउंट्स की जो जो मैंने 2-2 लाख दिए उनकी आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू सब ऐड करूंगा ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ यू सी मैथ्स का यूज कैसे, जीपी बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, इट्स अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशियो इज 1/1.1 होता जा रहा है ना। एंड देयर आर 6 टर्म्स लाइक दिस। जीपी का सम का फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपको, बता देता हूं। सम इज ए इंटू 1 - r या r - 1, इस केस में रेशियो 1 से छोटी है r की। सो 1 - r^n डिवाइडेड बाय 1 - r, राइट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ अ जीपी, ठीक है। तो अब ये यूज करते हैं यहाँ पे, ए इज 2 * 1 - r कितना है, 1/1.1, ठीक है, रेज टू पार 6 टर्म्स हैं, राइट, डिवाइडेड बाय 1 - 1/1.1, ठीक है। तो ऐसा हो गया। सो लेट सिंप्लीफाई इट अ बिट, एलसीएम ले लेते हैं। देखो दिस इज 2 * ऊपर क्या आएगा, 1.1 / 6 - 1, नीचे उसका एलसीएम बच जाएगा 1.1 / 6, राइट, इनटू इसका क्या बनेगा, ऊपर 1.1 - 1, तो दैट इज 0.1 / 1.1। सो एज यू कैन सी दिस विल कैंसिल दिस 6 for 5 है ना, रेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो 2 * 1.1 / 6 - 1 दिस अपॉन 1.1 / 5, राइट, इनटू 0.1। तो इसके लिए देखो थोड़ा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, लेट्स की क्या वैल्यू आती है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। सो 1.1 / 6 - 6, ओके, -1, दैट इज 0.77, मैं एक एक करके लिख देता हूँ। सो एक्चुअली इट बिकम्स 2 * 0.77, ठीक है, 0.77, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 / 5 इनटू 0.1, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, सो इनटू 2 / 1.1 / 5 डिवाइडेड बाय 0.1। सो बच्चों ये वैल्यू आ रही है 9.58, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 9.58 लैक्स। राइट, सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 9.58 लैक्स। मतलब जो सेकेंड चॉइस है उसमें आप जो 2-2 लाख दे भी रहे हो, कहने को तो 12 लाख लग रहा था आपको, ठीक है, कि टोटल तो यार 12 लाख पे करना पड़ गया, बट इन रियलिटी इफ यू फाइंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू वो बन रहा है 9.58 लाख। एक्चुअली यू आर सेविंग 42,000 फ्रॉम दिस 10 लाख रुपीज जो आप पहले दे रहे थे, है ना। सी इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, आप सोच रहे हो कि 12 लाख नंबर दिख रहे हैं ऐसे, बट इन रियलिटी दैट इज द बेटर ऑप्शन टू गो, कि 9.58 लाख लग रहे हैं आपकी एक्चुअली में आज की डेट में, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू थिंक अबाउट, आप सोच के देखो कितना फैसिनेटिंग है ना, आपको कैलकुलेशंस करके ये चीजें पता लगेंगी, वरना पे कोई भी जाएगा तो ये सोचेगा यार उसमें तो 12 लाख देने पड़ रहे हैं, आज 10 लाख दे रहे हैं वही दे देते हैं, ठीक है ना। बट एक्चुअली दिस केस इज बेटर, सेकेंड चॉइस इज मच बेटर, ठीक है। चॉइस टू आपको चूज करना चाहिए बिकॉज आपको उसमें फायदा हो रहा है कंपेयर टू द चॉइस वन। सो दैट इज हाउ यू टेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस यूजिंग मैथ्स। देखो इसमें सम ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला यूज हुआ, कैसे ये फॉर्मूलाज बनते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही आते हैं पता है मैथ्स से ही, सिंपल मैथ से। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। सो आई एम गिविंग यू अ थिंग, लाइक अब आप सोचो मैं इसी क्वेश्चन को लिखा हूँ, यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन है
but all only difference is this 5%. What will happen? What if the interest rate is 5% instead 10% की जगह जो को last question में रखा था हमने, अगर 5% है तो क्या होगा? Then which option is better? Which choice is better? और क्यों होगी? कितने का फायदा हो रहा है आज की डेट में, है ना? So you can post your answers in the comment section, ठीक है? सोच के करना आप उसको proper reason के साथ, we'll see कौन सही देता है answer इसका, ठीक है? So that is all for this session. I hope आपको मजा आया, इसमें कुछ नया सीखने को मिला, और अगर आपको अच्छा लगा and you want, so इसके ऊपर थोड़ा और आगे मैं बढ़ के elaborate करूँ इन्हीं concepts के आगे, ठीक है? So I'll make one more video on it. तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? सो आई विल ट्राई टू मेक वन मोर वीडियो इसके ऊपर, थोड़ा और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है? लाइक लोन, आप लोन लेने जाते हो बैंक से, सो हाउ, विच वन इज बेटर, विच इंटरेस्ट रेट टू फाइंड, कैसे सोचना है उसके बारे में, है ना? ये सारी चीजें एक्चुअल रियल लाइफ में यूज होती हैं, तो ये सब चीजों को आप सोच सकते हो बट विद बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो डू लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन के अंदर, आप अगर चाहते हो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्दर एलैबोरेट करके एक और वीडियो बनाया जाए, ठीक है? आई विल ट्राई टू डू दैट देन, ठीक है? तो अपॉइंटमेंट्स में बताना मुझे उसके बारे में, ठीक है?